और अब वल्लभ जी, लेकिन सीधा से सवाल है, देखिए कोवैक्सीन को लेकर यह बात तो सच है ना कि भ्रम फैलाने की राजनीति शुरू से ही कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई। क्या आपको अपनी देसी वैक्सीन पर भरोसा नहीं था? और जब आप भ्रम फैलाएंगे तो यकीनन उसको लेकर जनता के बीच एक ऐसी स्थिति बनेगी, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले शुरुआत में, और उसके कारण कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वैक्सीन खराब हुई। क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की? चित्रा जी, मैं आपको एक एक सवाल का उत्तर देता हूँ। आज 132 दिन हो गए वैक्सीनेशन कार्यक्रम को चालू, प्रतिदिन वैक्सीन लग रही है देश में 15,00,000+। इस रफ्तार से अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो 2024 में मात्र एडल्ट पॉपुलेशन को देश में वैक्सीन लगेगी। और मैं ये जब बोल रहा हूं तो ये मान रहा हूं कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जीरो है, तो मात्र एडल्ट पॉपुलेशन जो कि लगभग 90,92,00,000 है, उसको मई 2024 तक ये लगेगा। मैंने सवाल पूछा इनसे कि भाई जब दुनिया के सारे देश मई 2020 में वैक्सीन खरीद रहे थे, आप मोबाइल की फ्लैश लाइटें क्यों जला रहे थे भाई साहब, ताली थाली बजा क्यों रहे थे? और उन डॉक्टरों के लिए आपने ताली बजवाई, अच्छा लगा, पर उन्हीं डॉक्टरों को आप ही के समर्थन के एक बाबा जी मजाक उड़ा के जाते हैं। आपके नेता के, किसी नेता के मुंह से कुछ नहीं निकलता है। हमारे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स की बारे में वो अपशब्द बोलते हैं, हमारी वैक्सीन का मजाक उड़ाते हैं, आपके मुंह में दही जम जाता है। तीसरी बात, मैं ये बात करना नहीं चाहता था चित्रा जी, पर जो ये मौत की राजनीति कर रहे हैं ना, इसलिए मैं इनको बोल रहा हूं। आपने फैटेलिटी रेट मतलब कोरोना के मृत्यु दर की बात करी। गौरव भाटिया जी, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, इनमें से एक ऐसा मुल्क बता दो जिसकी फैटेलिटी रेट हमसे ज्यादा हो। आपके पास कोई उत्तर नहीं है इनकी फैटेलिटी रेट हमारे से आधी से भी कम। पूछा था उसको भी तो मैं जवाब दीजिए। मैंने पूछा था, एक सेकंड सर, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पर पूछा था कोवैक्सीन को लेकर आपके नेताओं ने भ्रम की राजनीति इस देश में क्यों की, और मृत्यु दर को लेकर सर राजस्थान से कितने झूठे और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर आज राहुल गांधी ने स्पष्टीकरण भी दिया है, उस पर भी जवाब क्या नहीं बनता है आपका कि वहां पर आंकड़ों को छुपाया जा रहा है? मैं तो चित्रा जी दे रहा हूँ ना, न्यूयॉर्क टाइम्स बोलता है अपनी कवर पेज की स्टोरी में कि भारत में 3,00,000+ 42,00,000 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आंकड़ा है। और अगर आपको, अगर इसमें परहेज है गौरव भाटिया जी, तो न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस को भेज दो, न्यूयॉर्क भेज दो उनके ऊपर छापा डलवाने। देखिए, छापा डलवा के आप सच को झूठ नहीं कर सकते, आप छापा डलवा के अपनी अपनी नाकामियों को नहीं छुपा सकते। मैंने आपसे पूछा कि जब मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 के तालियां बजा के समय क्यों खराब कर रहे थे, उसका जवाब दीजिए, जिसके कारण आज कोविड देश में आ चुका है, जिसके कारण आज वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम क्या है चित्रा जी? प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग नहीं लगवाना चाहते, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सप्लाई नहीं। मैं बाजा हूं। हमने सारे ठीक है गौरव भाटिया, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन सच और झूठ की राजनीति इन सब के बीच गौरव वल्लभ कौन कर रहा है, ये भी अपने आप पे बड़ा सवाल है। ठीक है, आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा, लेकिन सारा का सारा अगर टोपी ट्रांसफर का ये काम केंद्र और राज्यों के बीच नहीं चलता रहा तो आम जनता का इससे भला नहीं होगा। ये बातें गौरव भाटिया आपको भी और गौरव वल्लभ आपको भी समझना चाहिए, क्योंकि मौजूदा वक्त इस तरह से लड़ने का नहीं बल्कि एक साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने का है, लेकिन इस देश में हर मुद्दे पर राजनीति हावी हो जाती है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाएंगे?